नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। केंद्रीय बजट और विकसित भारत संकल्प को लेकर सांसद महेश शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सांसद महेश शर्मा ने देश के बजट को बताया अहम, कहा युवाओं, महिलाओं, गरीबों का रखा गया है विशेष ध्यान। विपक्ष पर जमकर बरसे सांसद महेश शर्मा, कहा पहले काम केवल कागजों में होते थे, आज जमीन पर हो रहे हैं। कहा आज देश नई दिशा नई नीति की ओर अग्रसर है, गरीबी हटाओ का नारा सुनते सुनते कान पक चुके थे लेकिन अब वो जमीन स्तर पर है। कहा ग्रेटर नोएडा वेस्ट तक जल्द पहुंच जाएगी मेट्रो, लोगों का सफर होगा आसान। गरीबों को सरकार ने घर दिया, घर के साथ साथ टॉयलेट व गैस सिलेंडर दिया है। कोरोना वायरस के समय मदद की आजादी के सालों बाद भी गांव में बिजली नहीं थी, मोदी सरकार ने बिजली दी है। पहला देश भारत ऐसा है जो चांद के साउथ पोल पर पहुंचा है। जम्मू से 370 का हटना और राम मंदिर का बनना ये सनातन की जीत है। आज देश में 39 रूट पर वंदे भारत चल रही, 10 वर्षों में 174 हवाई अड्डे बने हैं। पर्यटन की प्रगति की दर 11% रही जबकि विश्व में 4% रही। उत्तर प्रदेश में जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसका 26% अकेले गौतम बुद्ध नगर में हुआ। देश में मेडिकल कॉलेज 2014 से पहले, रिपीट, देश में मेडिकल कॉलेज 2014 से पहले 300 के करीब थे और अब 750 है। चिकित्सा सुविधा में वृद्धि हुई है। बाबा भीमराव अंबेडकर को सम्मान सिर्फ मोदी जी ने दिया है। देश का बजट बहुत अच्छा है और प्रत्येक वर्ग के लिए लाभदायक है। सेक्टर 27 में सांसद महेश ने बजट को लेकर की कॉन्फ्रेंस। भारत का किसान, भारत का गरीब, भारत की मातृशक्ति और भारत के युवा, जो 65% तक हमारी आबादी है, उनके विकास के माध्यम से जहां मातृशक्ति को 33% आरक्षण, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से विकास, एक लखपति दीदी के माध्यम से 2 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण, सामाजिक दृष्टि से युवाओं के लिए मुद्रा योजना, युवाओं के लिए और अन्य इस तरह की फाइनेंसिंग योजनाएं लाई गई हैं।